कृष्णा, आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज क्लास कीर्तन के साथ स्टार्ट करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज धनंजन, यमुना तीरावन जारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare, Jaya Radha Govinda श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर नेताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के उपाख्यान उपदेश ग्रंथ से श्रवण कर रहे थे,
अलग 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 कथाओं का श्रवण कर रहे थे। आज उसी के आगे हम श्रवण करेंगे। अकर्मण्य व्यक्ति का काम, अकर्मण्य व्यक्ति का काम इसमें आता है कि संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो पूरे जीवन गधे की तरह अपने संसार के कामों में परिश्रम करते हैं। हम जब सारा बल खत्म हो जाता है, किसी काम के नहीं रहते, नहीं काम करने की शक्ति उनमें रहती है, तब वे लोग मूर्ख व्यक्तियों के अंदर घुसकर उनकी कोमल मन की श्रद्धा को नष्ट करते हैं। ये अकर्मण्य बेकार लोग गुरु वैष्णव की निंदा कर उनमें दोष निकाल कर अपने ही जैसे बेवकूफ एवं दुर्भाग्यपूर्ण लोगों को अपने आत्म कल्याण से वंचित करते। बहुत सौभाग्य से जीव के हृदय में गुरु वैष्णव भगवान के प्रति श्रद्धा का अंकुर पैदा होता है। इस श्रद्धा के अंकुर की सर्वदा निष्कपट साधु संघ की मेड़ द्वारा रक्षा की जानी चाहिए, न तो कभी भी किसी भी मुहूर्त में ऐसे पशु तुल्य असद व्यक्ति उसे उखाड़ कर फेंक देता। कभी कभी इन अकर्मण्य व्यक्तियों का निर्बोध और कोमल श्रद्धा वाले व्यक्ति प्राचीन एवं विद्वान समझकर इनका संग करते हैं एवं उनके उपदेशों को भी सुनते हैं। इस तरह धीरे धीरे लोग धीरे धीरे साधु गुरु वैष्णव के प्रति निर्बोध व्यक्ति की श्रद्धा को उखाड़ कर फेंक देते हैं। श्रील प्रभुपाद ने अपने एक पत्र में किसी व्यक्ति के संबंध में लिखा है, गृहव्रत धर्म को जिनकी बढ़ाने की इच्छा है या बढ़ा रहे हैं और जो विषयों के विषय जर्जरित हो रहे हैं, श्री धाम वासीगण उनका संग कभी नहीं चाहते, मगर जो व्यक्ति हरि भजन में अनुरागी एवं कृष्ण गृह धर्म में अवस्थित है, उनके चरण रेणु प्रार्थी होकर उनकी सेवा करने के लिए हर मठवासी की वांछा प्रबल होनी आवश्यक। अगला प्रसंग सुनाया जा रहा है, उड़ा खोई गोविंदाय नमः। एक गांव में हरकांत चक्रवर्ती नाम का एक व्यक्ति वैष्णव नाम से विख्यात था। एक दिन वह व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए बाजार से खोई या खीर ले आया। गांव के सभी लोग कहते थे कि वे भगवान को निवेदन किए बिना कोई द्रव्य स्पर्श भी नहीं करते हैं, किंतु बाजार से आते समय हवा के झोंकों से उसकी खोई उड़ने लगी तो सामने से उसके मित्र आ रहे थे। उन्हें देखकर वो कहने लगे, गोविंदाय नमः, और बची हुई खोई को उड़ाने लग गए, अर्थात ये दिखा रहे हैं कि खोई में गोविंद को अर्पण करना हो। पति को आने में देरी हुई देखकर यह देखकर कि पत्नी ने पति को आने में देर हो गई यह देखकर पत्नी ने छोटे बच्चे को अपने पति के पास खोई लाने भेजा। सरल हृदय के लड़के ने कहा, माँ कब से खोई खाने के लिए बैठी, खोई कहाँ है, मुझे दीजिए। ये बात सुनकर कपटी व्यक्ति अत्यंत लज्जित हो गया। जिनमें सब समय अपने भोग की इच्छा रहती है और जागतिक लोगों से प्रतिष्ठा पाने की इच्छा रहती है, जिनमें सब समय भोग करने की इच्छा रहती है और जागतिक लोगों से प्रतिष्ठा पाने की इच्छा रहती है, उन व्यक्तियों की साधुता एवं धार्मिकता का अभिनय केवल कपट मात्र। कई बार विषय व्यक्तिगण अनेक चेष्टा करने पर भी धन जन की रक्षा नहीं कर पाते हैं, तब ये लोग कहते हैं, भगवान ये सब तुम्हारा ही है, तुम मारो या रखो तुम्हारी मर्जी। दरअसल ये शरणागति की बातें नहीं, यह भी कपट की।
हे भगवान, ये सब तुम्हारा ही है, तुम मारो या रखो, तुम्हारी मर्जी। दरअसल ये शरणागति की बातें नहीं है, ये भी कपट की है। हृदय में कपटता रहने पर भगवान उस सेवा को कभी भी ग्रहण नहीं करता। इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अलग 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 उदाहरणों से हमें उपदेश दे रहे हैं। अगला है गाय मारकर जूता दान। कांचनपुर के जमींदार हिरण्यमय राय चौधरी लोगों में बड़े दाता के नाम से विख्यात। उसी गांव की एक ब्राह्मण पत्नी ने अपने पुत्र के एक जोड़ी जूते के लिए ब्राह्मण को जमींदार के पास भेजा। जमींदार ने उसे जूते खरीदने के लिए पैसा देने की कोशिश की, मगर उसने पैसा लेने स्वीकार कर नहीं किया और कहने लगा, अर्थ दान की अपेक्षा ब्राह्मण की चरण सेवा के लिए पादुका दान ही अधिक फलदायक। ब्राह्मण को जूता दान नहीं देने पर उनकी बदनामी हो गई। यह सोचकर जमींदार ने मोची से एक जुड़े जो जूते बनवाए। चमड़े के अभाव में मोची मोची जूता नहीं बना पा रहा था। तब जमींदार बाबू ने गाय को मारकर उसके चमड़े से उसको जूता बनाने की आज्ञा दी। समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसे गोहत्या का महापाप लगेगा। तो समाज में कई संप्रदाय के विचार भी ठीक इसी तरह, अगर शास्त्र में भगवान के प्रति अपराध होता है तो कोई बात नहीं, पर जीव का देहिक या सामयिक उपकार जरूर करेंगे। अर्थात उनके भोग के ईंधन को बढ़ावा दिया जाए तो ठीक। यह सत्कर्म सत्कार्य, क्षुद्र जीव को नारायण कहने से पाखंडता एवं चरम अपराध हो तो कोई भी कोई बात नहीं, किंतु तो जगत में सम्मान तो मिल जाए वही ठीक है, जिससे दाता एवं ग्रहणकर्ता दोनों नरक में पड़े। अगला प्रसंग सुनाते हैं, ऊपर की ओर थूक फेंकना। एक लाला पुत्र अपने माता पिता को आसमान से चांद और तारे तोड़कर लाने की बेहद जिद करने लगा। माता पिता ने बच्चे को अनेक प्रकार से समझाने की कोशिश कर कहा, चांद तारे लाना तो दूर की बात है, उनको स्पर्श करना की क्षमता भी मनुष्य में नहीं है, किंतु बालक किसी तरह से मानने को तैयार नहीं था। तब उसके माता पिता ने बच्चे को छत पर ऊंचा चढ़ा दिया, इतना ऊंचा चढ़ा दिया कि वह चांद तारों को छू नहीं पाया। यह देखकर क्रोधित होकर आकाश को बोला, है दुष्ट आकाश, तुम चांद तारों को इतनी ऊंचाई में क्यों पकड़ रखे हो? अच्छा, अब मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। तब वो सबक सिखाने के लिए आकाश में ऊपर की तरफ थूक फेंकने लगा। बालक आकाश की ओर जितना थूक उछलता उतना ही थूक उसके ऊपर आगे गिरता। जैसे आकाश की ओर थूक फेंकने से थूक उछालने वाली परी गिरता है, वैसे ही जो लोग गुरु वैष्णव पर दुर्वचन का प्रयोग अथवा निंदा करते हैं, वो निंदा निंदा करने वाले के लिए घातक सिद्ध होते हैं। उसमें गुरु वैष्णव का कुछ भी नहीं बिगड़ता है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी गुरु वैष्णव की निंदा नहीं करेंगे, यानी अब अपने ऊपर कभी थूक भी नहीं फेंकेंगे। लघु कभी भी गुरु को स्पर्श नहीं कर सकता, इसलिए क्षुद्र जीव सदैव गुरु वैष्णव के शरणागत रहकर ही अपने नित्य मंगल की कामना कर। आगे और उपाख्यान कहते हैं, इसका उपदेश देते, अपनी नाक काटकर दूसरे की यात्रा भंग करना। एक गांव में दो पड़ोसियों के बीच बहुत गहरा संबंध था, किंतु बाद में विवाद शुरू हो गया। उनमें से एक का नाम सुशांत था और दूसरे का नाम कृतांत था। सुशांत ने सोचा, कृतांत के साथ विवाद करके अशांति में रहने से अच्छा है तीर्थ भ्रमण चले जाना। उसने पूरी यात्रा करने के बाद एक शुभ दिन निश्चित किया।
सुल्तान ने सोचा यदि ये गांव छोड़कर चला जाएगा तो मैं किससे भी बात करूंगा, इसलिए उसने यही गांव में रुककर रखना पड़ेगा। कप्तान जानता था कि सुशांत के कुछ कुसंस्कार हैं, मगर यात्रा के समय में किसी नाक कटे हुए व्यक्ति को देख लेगा तो यात्रा नहीं करेगा, क्योंकि वो उसे अमंगल सूचक मानता है। इस बात का फायदा उठाकर कप्तान तो सुशांत की पूरी यात्रा के ठीक पहले अपना नाक काटकर सुशांत के घर के सामने मार्ग में बैठ गया। सुशांत जैसे ही घर से बाहर निकला उसे एक नाक कटा हुआ व्यक्ति दिखाई दिया, सुशांत की पूरी यात्रा रुक गई। गुरु वैष्णव के विरोधी भी ऐसे ही अपने नाक कटवा कर सदैव दूसरों की यात्रा भंग करने के लिए तत्पर रहते हैं, अर्थात अपना भजन ही होना हो चाहे अनंत काल तक वंचित रहन में रहकर नरक में सड़ना पड़े, परंतु गुरु वैष्णव का नाम और यश की ख्याति जगत में न हो यही उनकी मनोकामना रहे। वो लोग अपना अमंगल यानी आत्महत्या रूप निर्विशेष कार्य को अपना कर भी हरि गुरु वैष्णव के प्रति जीव की श्रद्धा को अर्थात जीव की वैकुंठ यात्रा को भंग करने में लगे रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे मत्सर परायण व्यक्तियों के संग से सदैव दूर रहकर एकांत भाव से हरि भजन करे। अगला प्रसंग सुनाते हैं भक्ति सिद्धांत सभी ठाकुर। दूसरे का सोना कान में मत पहनो। दूसरे का सोना कभी भी अपने कान में नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि दूसरे की चीज पर हमारा अधिकार नहीं। किसी भी समय वह अचानक छीन कर ले जाया जा सकता है, उससे सोना पहनने का सुख भोग तो दूर कान कटने की भी आशंका बनी रहती है, यहाँ तक कि कई बार प्राण बचाना भी मुश्किल हो जाता है। इससे बड़ी शिक्षा मिलती कि जड़ वस्तु में आसक्ति रहने से स्वयं को ही कष्ट भोगना पड़ता है। इस पार्थिव वस्तु को जितना ज्यादा आदर करेगा, जितना उपयोग करने की लालसा करेगा, उसे उतना ही अधिक क्लेश उठाना पड़ेगा। माया देवी किसी भी क्षण अपने प्राणापेक्षा प्रीत द्रव्य को छीन कर ले जाएगी, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति माया के किसी वस्तु के प्रति आसक्त न होकर एकदम एकमात्र साधु संग भगवान के श्री चरणों में आसक्त। आगे प्रसंग आता है चाचा अपना प्राण बचा। पहले अपने को बचाओ फिर दूसरे की रक्षा करने की सोचो, परंतु देश प्रेमी होने का अभिनय करके कुछ व्यक्ति अपने मंगल की चिंता न करके अपने की अपेक्षा दूसरे के मंगल की चिंता में अधिक आग्रह प्रकाश करते हैं। ये अपने दोषों को न देखकर दूसरे के दोषों को देखते हैं, यहाँ तक कि गुरु वैष्णव के दोषों का अनुसंधान करते करते विश्व निंदक, गुरु वैष्णव निंदक एवं शास्त्र निंदक बन जाते हैं। जो केवल लोगों को सत्य कथा सुनाने में व्यस्त रहते हैं पर स्वयं सत्य कथा सुनने को तैयार नहीं होते, वे कभी भी अपना आत्मंगल नहीं कर सकते। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे पहले अपनी ओर दृष्टिपात करें, पहले स्वयं भोजन करें, अपना आचरण सुधारें, अपनों को माया के हाथ से बचाएं, फिर दूसरों के बारे में सोचें, तभी तुम दूसरे का कल्याण कर सकते हो। अपने को माया के हाथ से बचाओ फिर दूसरों के बारे में सोचो, तभी तुम दूसरों का कल्याण कर सकते हो। उन्होंने ऐसा भी कहा है कि जो लोग दूसरों को उपकार नहीं कर सकता वो अपना भी उपकार नहीं कर सकता, जो प्रचार नहीं कर सकता, कीर्तन नहीं कर सकता, वो अपना आचार और सत्य कथा श्रवण नहीं कर सकता।
ऐसा कहकर वे यह शिक्षा देते थे कि सबसे पहले श्री गुरु कृष्ण श्री गुरु वैष्णव के पाद पद्म में निष्कपट रूप से आत्मनिवेदन करो, उनके चरणों की छाया में आश्रय ग्रहण कर आत्मरक्षा करो, तभी तुम कीर्तन और प्रचार कर सकोगे, दूसरों का उपकार कर सकोगे। जिन्होंने हरि गुरु वैष्णवों को एकमात्र रक्षाकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, वे कभी दूसरों की रक्षा नहीं कर सकते। अगला प्रसंग सुनाते हैं, पत्थर से बना सोने का कटोरा। एक धनी जमींदार ने अपने ही गांव के एक स्वर्णकार को बुलवाया और उसको एक सोने का टुकड़ा देकर कहा, तुम इस स्वर्ण से मेरे दूध पीने के लिए एक सुंदर सा कटोरा बना दो, इसमें तुम कुछ मिलावट मत करना। स्वर्णकार जो आज्ञा कर सोने के टुकड़े को लेकर चला गया। हाथ में सोने के टुकड़े को पाकर स्वर्णकार को स्वर्ण गबन करने की इच्छा जागृत हुई, स्वर्ण को इसको किसी तरीके से हड़प लिया जाए। उसने सोचा जमींदार बाबू को पूर्ण रूप से वंचित करने पर उसे राजदंड से दंडित होना पड़ेगा। यह सोचकर उसने विचार किया कि पत्थर से निर्मित कटोरे को कारीगर से सोने का जल चढ़ाकर जमींदार को दूंगा तो स्वर्ण गबन के दंड से बच जाऊंगा। स्वर्णकार ने ऐसा ही किया, एक पत्थर से निर्मित सोने का कटोरा बनाया और उसे लेकर जमींदार के पास उपस्थित हुआ। कटोरा देखते ही विस्मित होकर जमींदार बाबू ने पूछा, तुम ये क्या बना कर लाए? स्वर्णकार, बाबूजी सोने का कटोरा है, बहुत मेहनत करके इसे बनाया। जमींदार बाबू ने कहा, मुझे तो ये पत्थर का कटोरा लगता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तो स्वर्णकार बोला, बाबूजी पत्थर से बना हुआ सोने का कटोरा। जो वैष्णव में जाति बुद्धि करके उनको ब्राह्मण वैष्णव क्षत्रिय वैश्य वैष्णव शूद्र और चांडाल वैष्णव आदि कहते हैं, उनका विचार भी ठीक पत्थर से बने सोने के कटोरे की तरह, या तो सिर्फ वैष्णव को या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या चांडाल को, अर्थात कटोरे को सोना कहो या पत्थर का कहो। जिस तरह कटहल से आम पापड़ नहीं बन सकता, ठीक उसी तरह वैष्णव में भी शुद्रत्व नहीं रहता। जब किसी को वैष्णव कहा गया है और तब वह सामाजिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हिंदू अहिंदू आदि प्राकृत विचार के अंतर्गत, हिंदू वैष्णव यवन वैष्णव कहना भी पत्थर से बना सोने का कटोरा या कटहल से बना आम पापड़ की तरह निरर्थक या अपराध है। आगे आता है नरक गुलजार। एक धर्म भीरु व्यक्ति जो अधर्म से अधर्म करने से डरे, एक धर्म भीरु ब्राह्मण ने धर्म से डरने वाले ब्राह्मण ने एक शराबी से कहा, देखो अगर अपना भला चाहते हो तो शराब पीना बंद कर दो। शास्त्र में लिखा है शराब पीने से नरक में जाना पड़ेगा। शराबी बोला, सुरेंद्र बाबू भी तो शराब पीते हैं। ब्राह्मण ने कहा, उन्हें भी नरक में जाना पड़ेगा। शराबी बोला, वरुण बाबू भी तो शराब पीते हैं। ब्राह्मण बोला, वो भी नरक। शराबी बोला, अरुण बाबू भी तो शराब पीते हैं। उन्होंने बोला, जो शराब पीते हैं सभी नरक में जाएंगे। शराबी बोला, और क्या क्या करने से नरक में जाना पड़ेगा? ब्राह्मण बोला, झूठ बोलने से, चोरी करने से, लोगों को ठगने से, पर स्त्री प्रसंग करने से नरक में जाना पड़ेगा। शराबी, फिर तो वो भामिनी वेश्या की क्या गति होगी? ब्राह्मण बोला, वो भी नरक में जाएगी। शराबी बोला, क्या सारी वेश्याएं भी नरक में जाएगी? ब्राह्मण बोला, हाँ। शराबी बोला, जो वैश्यालय में जाते हैं उनकी क्या गति होगी? ब्राह्मण बोला, वे भी नरक। शराबी तब इतरा के बोला, फिर तो नरक घुल जा रहे, इतने आदमी यदि नरक में जाएंगे तो वहां भी महानंद का विशाल मेला लगेगा। पृथ्वी पर अनेक लोगों की धारणा है कि जगत में कुछ भी घृणित कार्य करो फिर भी डर या चिंता की कोई बात नहीं। उनका कहना है कि अधिकतर लोग निष्कपट एवं आंतरिक भाव से हरि भजन नहीं करते। अधिकतर लोगों की जो गति होगी मेरी भी वही गति होगी, इसलिए हम लोग दो चार साधुओं का उपदेश सुनने क्यों जाए? जिधर का दल भारी होगा उसी दल में हम जाएंगे, ऐसा विचार कर कुछ व्यक्ति हरि भजन से विमुख हो जाते। कुछ व्यक्ति को कहना है कि जगत में हम लोगों की संख्या ज्यादा है, हरि विमुख, यदि मरना ही है तो एक साथ मरेंगे और एक ही जगह जाएंगे और उसमें भी एक तरह का आनंद है। इस तरह का तमोगुण भाव रूपी जड़ता से हरि भजन न करने संकल्प की जरूरत से।
आगे प्रश्न था, शिक्षक को शिक्षा देना। एक जमींदार ने अपने पुत्र को पढ़ाने के लिए 15 रुपये महीना वेतन और भोजन देकर एक गृह शिक्षक को नियुक्त कर रखा था। जमींदार का बेटा गणित में बहुत कमजोर था, इसलिए शिक्षक उसे अधिक समय तक गणित ही कराते रहते थे। छात्र असमर्थ होकर शिक्षक को सारे गणित के प्रश्नों को हल करने का अनुरोध करता था, मगर शिक्षक उसे समझाते थे कि यदि मैं ही सारे प्रश्नों को हल कर दूंगा तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे, इसलिए पहले मैं तुम्हें इसके नियम सिखा दूं, फिर भी यदि तुम नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, परंतु तुम्हें ही गणित के सारे प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। छात्र बड़ा ही मंदबुद्धि, आलसी एवं भोगी था। गणित सीखने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। वो केवल अपने माता पिता की प्रताड़ना के भय से गणित सीखने के लिए राजी हुआ। एक दिन छात्र अपने मित्रों के साथ वार्तालाप करते समय शिक्षक को सुना सुना कर कहने लगा, मेरे लिए मेरे पिताजी ने 3 महीने के 30 रुपये खर्च कर एक अकर्मण्य गृह शिक्षक को रखा है। रोज मैं ही उनके प्रश्नों का हल निकाल कर देता हूँ। इतना खर्च करने के बावजूद उनके गणित के प्रश्नों का हल मुझे निकालना पड़ता है, इसके लिए मुझे कितना परिश्रम करूंगा। यह अत्याचार मुझसे सहन नहीं होगा। मैं यदि गणित कर दूंगा तो फिर महीनेदारी देकर उनके रखने की क्या आवश्यकता। शिल भक्ति सिद्धांत गोस्वामी प्रभुपाद जी सब आख्यान से हमें शिक्षा दे रहे हैं कि तुम लोगों की भी धारणा कुछ ऐसी है। एक तो हम लोग घर छोड़ के आए, कोई गुरु सेवा के लिए अनेक त्याग स्वीकार करते हैं, कोई हरि सेवा के लिए अर्थ प्रदान करते हैं, कोई कोई प्राण बुद्धि वाक्य समय आदि में नियुक्त रहते हैं, और कोई जगह जगह से भिक्षा संग्रह करके लाते हैं। इस प्रकार हम लोग तरह तरह सेवा करें तो ये सब कार्य तो गुरु के लिए हो रहा है, इससे क्या लाभ मिलेगा? इसके लिए वृथा परिश्रम करके हमें क्या लाभ होगा? या हम भूल गए कि गणित हम अपने लिए ही कर रहे हैं, इससे शिक्षक को कोई लाभ नहीं होने वाला है, हमारा ही लाभ होता है। स्वयं करने पर भी हम गणित सीख पाएंगे। हम लोगों की भलाई के लिए हम लोगों से गणित करवाया जाता है। हम लोगों को प्रताप करने के लिए श्री गुरुदेव हम लोगों को तरह तरह की सेवा में नियुक्त करते हैं। वे तो हमारे कल्याण के लिए सोचते हैं, जो अपने कल्याण के लिए विमुख है वे सोचते हैं गुरुदेव के लिए, मठ के लिए, वैष्णव के लिए, भगवान के लिए मैं इतना परिश्रम करूं या आत्मत्याग करूं। अगला प्रश्न आता है, इसका नाम है शो बॉटल। बड़े बड़े विलायती मतलब विदेशी दवाखानों में लोगों को आकर्षित करने के लिए दुकान के सामने बड़ी बड़ी बोतलों में लाल, नीला, हरा आदि रंगों का पानी भरकर रखा जाता है। ये एक प्रकार का विज्ञापन मात्र, इससे वह दिखाते हैं कि यहाँ हर तरह की अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। इस विज्ञापन प्रचार की बड़ी बड़ी रंगीन बोतलों को शो बॉटल कहते हैं। इस शो बॉटल में दवा के स्थान पर रंगीन पानी रहता है। दवा समझकर इस बोतल के पानी को पीने से कभी भी वास्तव में रोगों का निवारण नहीं हो सकता। शिल भक्ति सिद्धांत गोस्वामी प्रभुपाद जी इस शो बोतल का उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि नाम संकीर्तन रूपी महा औषधि का वितरण करने के लिए हम लोगों ने गौड़ी अस्पताल एवं दवाखाना खोला। इससे बाहर लोगों को आकर्षित करने के लिए ऐसे ही कई शो बॉटल सजा कर रखी, जिनके हृदय में सम्मान पाने की आकांक्षा ही अन्य अभिलाषा थी। श्री प्रभुपाद ने उन लोगों की प्रवृत्ति को दमन करने का स्वीप देने के लिए उन लोगों को शो बॉटल के रूप में रखा। श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने
जिनके हृदय में सम्मान पाने की आशंका थी या अन्य अभिलाषा थी, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन लोगों की प्रवृत्ति को दमन करने का सुयोग कर देने के लिए उन लोगों को शो बॉटल के रूप में रखा। पेट मोटा, लंबा चौड़ा, ज्यादा बकबक करने वाला, बड़े बड़े दंडधारी, उपाधिधारी, ऐसे लोगों को शो बॉटल के रूप में देखकर लोग जब दौड़े दौड़े अस्पताल में प्रवेश करेंगे तब सब यथार्थ संवेद्य द्वारा यथार्थ दवा को पाकर धन्य हो जाएगा। जिनके जिनको यथार्थ सत्य को खोज करने की इच्छा नहीं है, वे तो शो बॉटल के लाल नीले पानी को ही उचित दवा समझ कर उसमें मग्न हो जाए। पर जिनके हृदय में रोग निवारण करने की आंतरिक इच्छा है, अर्थात जो अकपट रूप से अपना आत्मंगल चाहते हैं, जो दवा पीना चाहते हैं, शुरू में 100 बोतल के विज्ञापन से आकर्षित होने पर भी सदवैद्य के पास पहुँच कर यथार्थ दवा की खोज करते हैं और ऐसा करने पर से वे कभी वंचित हुए लाभान्वित हुए। गौड़ी अस्पताल में कान से दवा का श्रवण करना पड़ता है। यही श्री सरस्वती ठाकुर का उपदेश था जिन्होंने सिर्फ चक्षुओं के द्वारा अर्थात केवल शो बॉटल को देखकर दवा का सेवन किया था। वास्तव में वे गौड़ी और अस्पताल में प्रवेश ही नहीं किया, लोगों को दिखाने के लिए प्रवेश करने पर भी वास्तविक दवा का सेवन नहीं किया। जिन्होंने कर्ण के द्वारा सदवेद्य की औषधि का सेवन किया उनका मंगल हुआ और आगे भी होगा, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ शो बॉटल को देखकर वास्तविक औषधि से वंचित नहीं है। कोई कोई कहते हैं कि अगर 100 बोतल सजा कर नहीं रखा जाता तो वे ठगाए नहीं जाते हैं और इस विज्ञापन से नुकसान ही हुआ है, किंतु ऐसा विचार ठीक नहीं। सदवेद्यों ने जगत में दया करने के लिए जो औषधालय खोल रखा है, यदि सर्वसाधारण को इसका पता नहीं होगा तो अधिकतर लोगों का मंगल होगा ही नहीं। शास्त्र पढ़कर अधिकतर लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं, कुतर्क करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान व्यास देव ने शास्त्र की रचना कर कुछ अन्याय किया, ये उनके अहेतु की दया का ही परिचय। सोना चांदी एवं लोहे की जंजीर है। एक राजा के पुत्र के साथ उनके मंत्री के पुत्र एवं कोषाध्यक्ष के पुत्र बड़ी मित्रता थी। एक दिन राजकुमार, मंत्री पर कोषाध्यक्ष का पुत्र, तीनों एक साथ दूर देश में भ्रमण के लिए निकले। एक राजा के पुत्र के साथ उनके मंत्री के पुत्र एवं कोषाध्यक्ष के पुत्र की बड़ी मित्रता थी। एक दिन राजकुमार, मंत्री पुत्र एवं कोषाध्यक्ष का पुत्र, तीनों एक साथ दूर देश में भ्रमण के लिए निकले। और एक दूसरे राजा की राजपुरी में प्रवेश कर गए। उस समय उस देश का राजा राजपुरी में विद्यमान नहीं था, केवल राजकुमारी थी। उस राजकुमारी की 2 प्रिय सखियां भी थी, उनमें से एक उस राजा के मंत्री कन्या थी और एक उसके कोषाध्यक्ष की कन्या। तीनों ही विवाह के योग्य थी। राजकुमार और उनके दोनों सखाओं ने उक्त राजकुमारी एवं उनकी दोनों सखियों से मिलकर उनका परिचय पूछा। तीनों सखाओं ने उन सखियों से एक एक करके विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु माता पिता की अनुमति के बिना विवाह कैसे संपन्न हो सकता, यह सोचकर राजकुमारी एवं उनकी सखियां चिंतित। आखिरकार यह विचार हुआ कि अधिक विलंब न कर परस्पर विवाह के सूत्र में बन जाना ही उचित है, क्योंकि शुभ कार्य को जल्दी संपन्न कर लेना चाहिए। विवाह कार्य समाप्त हुआ। इधर कुछ दिनों बाद राजा, मंत्री, कोषाध्यक्ष के साथ अपनी अपनी पुरी में वापस आए तो उन्होंने देखा कि तीनों सखियां अपरिचित युवकों के साथ बात करी। जब राजा ने सुना कि उनकी अनुमति के बिना ये तीनों युवकों ने अन्यायपूर्वक राजपुरी में प्रवेश कर तीनों सखियों के साथ विवाह कर लिया, तब राजा ने तीनों युवकों को बंदी बनाने की आज्ञा दी। राजकुमारी ने अपने पिता से रोककर अपने पति को छोड़ने की विनती की। ठीक वैसे ही मंत्री की कन्या ने मंत्री से और कोषाध्यक्ष की कन्या कोषाध्यक्ष से अपने अपने पति को छोड़वाने की विनती की।
उनके क्रंदन से विचलित तो होकर राजा ने आदेश दिया कि बंदी तो तीनों को ही बनाना है, पर उनकी योग्यता के अनुसार राजपुत्र को सोने की जंजीर से, मंत्री के पुत्र को चांदी की जंजीर से, एवं कोषाध्यक्ष के पुत्र को लोहे की जंजीर से बांधा गया। वैसे ही भगवान भी जीवों को उनके भिन्न भिन्न कर्म के फल के अनुसार तीन प्रकार की जंजीरों से अर्थात तीन गुणों के बंधन में जकड़ कर रखते हैं। सतगुण के बंधन को सोने की जंजीर से, रजोगुण के बंधन को चांदी की जंजीर से, तमोगुण के बंधन को लोहे की जंजीर से तुलना की जा सकती है। जंजीर चाहे किसी भी धातु से क्यों न बनी, आखिर बांधने का साधन ही जिसको सोने की जंजीर से बांधा जाता है तो जिस प्रकार आबद्ध रहता है, ठीक उसी प्रकार जिनको रजोगुण या तमोगुण के बंधन से बांधे जाते हैं, ये भी बात है। जिसने अपने पुण्य के फलस्वरूप ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो, या जो लोग मिश्र सत्व के अंतर्गत रहकर तरह तरह के पुण्य आदि कर्म कर रहे हैं, वे सभी प्रकृति के गुणों से आबद्ध हैं। जब तक शुद्ध सत्वगुण अथवा त्रिगुणों से अतीत अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता, तब तक बंधनों से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। भगवान के भक्त शुद्ध स्वरूप हैं, शुद्ध सत्व को वसुदेव कहते हैं। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शद्वितम, शुद्ध सत्व में भगवान का आविर्भाव होता है, इसलिए उनका नाम एक नाम वासुदेव है। बुद्धिमान व्यक्ति तीनों जंजीरों में अर्थात तीन गुणों में आबद्ध न होकर निर्गुण शुद्ध भक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं, क्योंकि उसके द्वारा ही अनायास मुक्ति लाभ की जा सकती है। इसलिए भगवान ने भगवद गीता में कहा है, मेरी माया त्रिगुणमयी अर्थात सत्य रज तमगुण से लिप्त है एवं अति अद्भुत और अलौकिक है, कोई उसे सहज ही पार नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, मेरी माया त्रिगुण में यथा सत रज तमोगुण से लिप्त है, एक अति अद्भुत और अलौकिक है, कोई उसे सहज ही पार नहीं कर सकता। जो केवल मेरी शरण में आता है वही मेरी इस दुस्तर माया से पार कर सकता। आगे आता है दरिद्रेन सर्वज्ञ, अगला वृतांत सुनाते हैं भक्ति सिद्धांत सरित। एक दरिद्र ग्रस्त ब्राह्मण के कई संतान थे, उसको उनका पालन पोषण करता था। ब्राह्मण दरिद्रता के दुख से सदैव रोता रहता था। कोई भी व्यक्ति उस ब्राह्मण की सहायता न कर सका, उसका तरह तरह मजाक ही उड़ाते थे। लोग कहते थे कि इस ब्राह्मण के पास धन का अभाव नहीं है, ये तो बाहर से कंजूस स्वभाव दिखाकर लोगों से धन संग्रह करना चाहता। एक तो दरिद्रता की तीव्र ज्वाला ऊपर से लोगों के ताने का एहसान कर पाता था, वह अत्यंत दुखी रहता था। एक दिन एक सर्वज्ञ मुनि, जो सब जानते, भ्रमण करते करते उस दरिद्र ब्राह्मण के घर उपस्थित हुए। सर्वज्ञ मुनि ने ब्राह्मण को दुख से कातर देखकर उससे पूछा कि ब्राह्मण तुम इतने दुखी क्यों रहते हो? तुम्हारे घर में तुम्हारे पिता की अगाध संपत्ति, क्या तुम ये नहीं जानते? तुम उस धन का अपव्यय करोगे शायद इसलिए तुम्हारे पिता ने तुम्हें उस गुप्त धन की बात नहीं बताई। तुम धन की खोज करो, देखना इसी प्रांगण में तुम्हारे पिता का गढ़ा हुआ गुप्त धन प्राप्त होगा। सर्वज्ञ ने ब्राह्मण को धन प्राप्ति का स्थान बता दिया। ब्राह्मण पितृधन की बात सुनकर शिक्षिता से एक फावड़ा लेकर आया, दक्षिण की ओर खोदने लगा। तब सर्वज्ञ ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण सावधान, दक्षिण की ओर खुदाई मत करना, वहाँ से अनेक ततैया निकलेंगे, वहाँ धन तो मिलेगा ही नहीं बल्कि ततैया के ढंग से तुम्हारे शरीर में जलन हो। ब्राह्मण सर्वज्ञ की बात सुनकर अब ठीक उसके विपरीत दिशा में खोदने लगा। इस बार भी सर्वज्ञ ने सतर्क करते हुए ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण अब तो और भी सावधान हो जाओ, ततैया से भी ज्यादा खतरा है, यहाँ उत्तर दिशा में काला अजगर बैठा है, वो तुमको देखते ही ग्रास कर लेगा, धन तो मिलेगा नहीं बल्कि अपने प्राणों से भी हाथ। तब ब्राह्मण पश्चिम की ओर खोदने लगा। इस बार भी सर्वज्ञ कहने लगे, ब्राह्मण इस बार भी सतर्क हो जाओ, यहाँ स्वयं यक्ष धन का पहरा दे रहे, इससे धन कमाने, धन की याचना पर प्राण गंवाने की संभावना है। ये यक्ष एक भयानक प्राणी है, प्रारंभ में वो तुम्हें तरह तरह के प्रलोभन देकर फंसाने की कोशिश करेगा और बाद में गुप्त धन देने के बदले तुम्हारे प्राणों की बलि ही लेगा। उस दरिद्र ब्राह्मण ने अब और अधिक दुख और शोक से निराश होकर कातर स्वर के स्वर्ग से कहा है, तुम भी मेरे साथ मजाक उड़ा रहे हो, मैं भूख प्यास से कातर होकर मन से सदैव दुखी रहता हूँ,
और पड़ोसियों के अत्याचार से उत्पीड़ित होकर भी जैसे तैसे जीवन बिता रहा हूँ, मगर उन्होंने भी धन का प्रलोभन देकर बाद में निराश किया। हाय, मुझे अब लगता है कि इस अज्ञात मायावी के हाथ मेरे प्राण निकलेंगे। सर्वज्ञ ने कहा, ब्राह्मण तुम अधीर मत बनो, मेरी बात को धैर्यपूर्वक सुनो। तुम तो अपनी इच्छा से ही विपत्त में जा रहे हो, मैं तो तुमको तुम्हें फिर से सिर्फ सतर्क कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक या हिंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो केवल तुम्हें यह उपाय बता रहा हूँ जिससे तुम्हारे प्राणों की भी रक्षा और तुम्हारे पिता की संपत्ति पाकर तुम धनी हो सको। जहाँ कोई श्रेष्ठ वस्तु होती है वहाँ उसको घेर कर अनेक विघ्न भी विद्यमान रहते। तुम अपने पितृधन का उपयोग न कर सको इसलिए दक्षिण में ततैया, उत्तर में अजगर, पश्चिम में यक्ष उसकी रखवाली कर रहे। तुम्हारे पिताजी बुद्धिमान थे इसलिए पूर्व में सोने की मोहरों से बड़ा कलश कलश गाड़ रखा है। अब तुम्हें अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, जरा सी मिट्टी के पर ही तुम्हें सोने का कलश मिल जाएगा। अब ब्राह्मण सर्वज्ञ की बातों में विश्वास कर पूर्व की ओर खोदने लगा। जरा सी मिट्टी खोदते ही ब्राह्मण को सोने की मुद्राओं से भरा कलश मिल गया। धन को पाकर ब्राह्मण के आनंद की सीमा न रही, उसके समस्त दुख दूर हो गए। वह आनंद से अपना सुखमय जीवन बिताने लगा। चैतन्य देव दृष्टांत के द्वारा जीव को शिक्षा देने की, कृष्ण ही जीव के एकमात्र प्रभु रक्षा करता है। कृष्ण ही जीव के एकमात्र प्रभु रक्षा करता है। भक्ति ही जीव का एकमात्र धर्म है और सेवा का आनंद लाभ ही उसका चरम प्रयोजन। इसकी जानकारी न होने से जीव उस दरिद्र की तरह दुख भोगता है, परंतु परम दयालु भगवान शास्त्र गुरु अंतर्यामी रूप में जीव को उसके नित्य धन की बातें बताते हैं। भक्त श्रेष्ठ श्री गुरुदेव जीव के दुखों से दुखी होकर संसार में भ्रमण करते करते व्यथित जीव के द्वार पर आकर जब देखते हैं कि जीव प्रेम रूपी महाधन से बिछुड़ गया है, तो इस संसार के सुख दुख रूपी गोतों में तरंगों में गोता खा रहा, तब वे जीव को कहते हैं, जीव तुमको तुम्हारे पितर धन की प्राप्ति न होने पर और तुम्हारे परम पिता परमेश्वर के सेवानंद रूप महाधन के संधान के अभाव में ही तुम अपने आप को दरिद्र समझ रहे हो। तुम तो लक्ष्मीपति की संतान हो, तुम्हें धन का अभाव कैसे हो सकता। मैं तुम्हें धन का ठिकाना भी बता रहा हूँ और इसके साथ सतर्क होकर भी रहो। तुम दक्षिण उत्तर एवं पश्चिम की ओर धन की खोज मत करो। इधर विपद ही विपद है, जहां तुम्हें धन तो मिलेगा ही नहीं अपितु प्राण हानि की आशंका। ये दक्षिण कोण ही कर्मकांड है, जो यम के द्वारा दंडित होने हैं होते हैं वे सभी दक्षिणा का दक्षिणा लेकर फल प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। यहाँ भोग वासना रूप ततैया का वास है, वहां भोग वासना की आशा तो पूर्ण होती ही नहीं, भोग वासना की ज्वाला से केवल दग्ध होना पड़ता है। दक्षिण में विपद ऐसा सोचकर उत्तर में भी मत खोदना। भोग वासना को छोड़कर उसके विपरीत त्याग की कामना मत करना, अर्थात कर्म कांड को छोड़कर ज्ञान कांड को मत पकड़ना। जो इस ज्ञान कांड का सहारा लेते हैं वे मैं ही ब्रह्म हूं ऐसी कल्पना करते करते आत्महत्या कर लेते। ज्ञान कांड में जीवात्मा को क्या अस्तित्व नहीं रहता, काला अजगर रूप निर्वाण या ब्रह्मलय जीवात्मा को निकल जाता है। अब उत्तर को छोड़कर पश्चिम दिशा की ओर धन का अनुसंधान करने मत जाना, वहां योग मार्ग है। योग पहले तो तुम्हें तरह तरह की विभूति एवं ऐश्वर्य का लोभ दिखाकर अपनी ओर आकर्षित करेगा, परंतु अंत में तुम्हारी आत्मा को भी ग्रस्त कर लेगा। ज्ञान मार्ग में आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं रहता और योग मार्ग में आत्मा का अस्तित्व स्वीकार तो करते हैं मगर तरह तरह का लोभ दिखाकर आत्मा को परमात्मा में लीन कर देते हैं, इसलिए यह और भी भयानक। पूर्व दिशा ही भक्ति पथ है और पूर्व परातन या नित्य शाश्वत धन कृष्ण भक्ति का पद ग्रहण करने से अनायास ही प्राप्त हो जाता है। सांसारिक दरिद्रता का नाश अर्थात सांसारिक क्लेश का विनाश प्रेम का फल नहीं है, प्रेम का फल नहीं है। जिस तरह धन की प्राप्ति होते ही दुख अपने आप भाग जाता है, ठीक उसी तरह प्रेम फल लाभ होने पर सांसारिक अभाव एवं असुविधा का बोध नहीं रहता है प्रेम फल। तब जीव की यही उत्कंठा रहे कि किस प्रकार से कृष्ण की सेवा की जाए। कृष्ण कृष्ण भक्ति और प्रेम इन तीन महाधन की प्राप्ति के लिए आत्मविद या तत्ववेत्ता सद्गुरु या विष्णु के पाद पद्मों का आश्रय ग्रहण कर शुद्ध भक्ति के पथ का अवलंबन करना पड़ेगा। इस अनुसंधान के द्वारा जीव सब प्रकार से सुखी है। इस प्रकार ये सारे जो आख्यान दिए जा रहे हैं ये सब किसके लिए दिए जा रहे हैं,
उपदेश देने के लिए ले जा रहा है। इसमें हमने अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार के उपदेश में, अगला है रोकर मामला जीतना। भक्ति सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि जब अपने पक्ष में बोलने के लिए कुछ नहीं रहता, तब लोग कुछ दूसरों की दया पकड़ अपना मतलब निकालने के लिए जोर जोर से रोने लगते और चिल्लाने लगते। धूर्त प्रवृत्ति के लोगों को यह पता रहता है कि उनकी तरह सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ दुर्बलता रहती है, तो सांसारिक विचारक चाहे कितने ही बड़े पंडित या दक्ष क्यों न हो, आखिर हैं तो वो भी मनुष्य, इसलिए मनुष्य की दुर्बलता उनमें भी लागू होती है। किसी भी व्यक्ति को रोते हुए देखकर अति निष्ठुर व्यक्ति के हृदय में भी दया का भाव उदय हो जाता है। और पृथ्वी में जो लोग 10 बातें बोलकर लोगों को अपनी गलती भुला देते हैं, उनकी माया एवं मोह में फंसने की दुर्बलता विचारक में भी होती है। इसलिए दुष्ट मनोवृत्ति वाले लोग उन सभी कौशल का उपयोग, उन सारी स्किल का यूज करते हैं, सांसारिक लोगों के विचारक की सहानुभूति आकर्षण करते हैं। कैसा? रोके रोकर मुकदमा जीतना या गला फाड़ कर चिल्ला कर मुकदमा जीतने के जैसा अभिनय धर्म जगत में भी देखने को मिलता है, जैसा संसार में मिलता है कि लोग रो के मुकदमा जीतना या गला फाड़ कर चिल्ला कर मुकदमा जीतना जैसा अभिनय, ऐसा नाटक जो है धर्म जगत में भी देखने को मिलता है। दरअसल सांसारिक गणगंडाली का अंधे की तरह दूसरों की नकल करने लोग कौन सच्चे कौन झूठे या सूक्ष्म रूप से विचार करने की योग्यता लाभ करने के लिए तैयार नहीं होते, पर अपनी सांसारिक दुर्बलता लेकर सांसारिक विचारक की तरह पारमार्थिक विचारक का पद ग्रहण करने का दावा करते। विचारक के उन कमजोरी का सहारा लेकर धर्म के राज्य में प्रवेश करने का नाटक करके कुछ धूर्त प्रवृत्ति के लोग उन यश आकांक्षी स्वयं सिद्ध विचारक का हाथ पांव पकड़कर रोते रहते, कभी कभी एक वस्तु को दूसरी वस्तु कहकर पेश करने के लिए चिल्लाते रहते। इसे सांसारिक माया में मुग्ध विचारक का आसन हिलने और डगमगाने लगता है, अर्थात वह कौन सा सच और कौन सा झूठ है तय नहीं कर पाने के कारण माया में मुग्ध मायावी के प्रति सी सहानुभूति का प्रदर्शन करते हैं। इससे दूर तो लोगों का अभिप्राय पूरा हो जाता है, रो करके वो अपना अभिप्राय इरादा पूरा कर लेते हैं, लेकिन यथार्थ बात तो ये कि ये विचारक और मायावी दोनों ही वंचित होते हैं, अर्थात किसी को भी हरि व्यक्ति रूपी धन और यथार्थ साधु संघ का लाभ नहीं मिलता। इसलिए इसका नाम बोला गया रो करके मामला जीतना। आगे वर्णन आता है, तीन भाई श्रीमद् भागवतम में श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं, सत्व रज और तम ये तीन बुद्धि के गुण है, आत्मा के नहीं है, ये तीनों बुद्धि के गुण है। सत्व वृत्ति से रज एवं तम गुण की वृत्ति को जय करना और शुद्ध सत्व से मिश्रत्व वृत्ति को विनाश करना, ये भागवतम में आता है। बुद्धि माता के तीन पुत्र हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों ने एक ही माता के गर्भ से जन्म लिया बुद्धि से, इसलिए सभी संपत्ति के समान भागीदार होने का दावा करते हैं, कोई भी कम लेने को राजी नहीं होता। ठीक उनके पास में उनके जैसा ही एक और व्यक्ति खड़ा रहता है, वो आंतरिक रूप से कभी भी उनका संग नहीं करता, अभी तो हमेशा उनके मंगल की कामना ही करता रहता है। पहले ये तीनों भी इन्हें अपने से सभी गुणों में श्रेष्ठ मानकर उनका आदर सम्मान करते थे। दूर से लोगों को लगता था कि चारों भाई एक साथ रहकर एक ही माता की सेवा करें बुद्धि, पर तीनों भाई सदैव कंचन कामिनी प्रतिष्ठा लाभ, मतलब सतोगुण रजोगुण तमोगुण, कंचन कामिनी प्रतिष्ठा के लाभ के बंटवारे को लेकर लड़ते रहते तीनों। यह देखकर माता पिता दुखी होकर चौथे बेटे को सभी बात बतलाते। माता पिता के परलोक गमन के बाद तीनों भाइयों ने प्रकट रूप से विवाद आरंभ किया। रजोगुण ने कहा कि मैंने विश्व ब्रह्मांड को जीत लिया है, पाश्चात्य मेरा जय जय गान करते हैं, यदि मैंने उनसे माता पिता का परिचय नहीं करवाया होता तो कोई भी उन्हें जान नहीं पाता। तुम सभी आलसी और मूर्ख हो, तमोगुण कभी भी जगत में बड़ा नहीं हो सकता, रजोगुण का आसन ही सर्वोपरि। जब मिश्र गुण जिस सत्वगुण के साथ रज एवं तम दोनों का मिश्रण रहता है, उसने कहा कि तुमने पाश्चात्य देश में लेनिन हिटलर मुसोलिनी आदि के आदर्श से अनुप्राणित होकर अपनी परंपरा को त्याग कर दिया, परंतु हमने अपनी परंपरा का त्याग नहीं किया, हमने सदाचार शास्त्र चर्चा संन्यास ब्रह्मचर्य आदि किसी को भी नहीं त्यागा, हम सात्विक, इसलिए हम ही माता पिता की संपत्ति के अधिकारी हैं।
अगर तुम अगर हमारे आनुगत्य में रहोगे तभी तुम्हें कुछ भाग मिल सकता है। रजोगुण ने कहा कि सारी पृथ्वी में मेरे नाम की चर्चा है, तुम लोगों को कौन जानता है, हम किस लिए तुम्हारे आनुगत्य में रहेंगे, हम पाश्चात्य देश में अपने नाम की इमारत बनाएंगे। जब मिश्र सत्व रज एवं तम इन तीनों भाइयों ने संपत्ति के बंटवारे को लेकर झगड़ा चल रहा था, तब चौथे ने अर्थात शुद्ध सत्वगुण ने उनका मंगल हेतु निज स्वाभाविक अधिनायकत्व प्रकाश कर श्रीमद् भागवतम की वाणी को सार्थक करते हुए जीवों के मंगल विधान की चर्चा। पहले सतो रज एवं तमो ये तीनों भाई शुद्ध सत्व को अकेला देखकर किसी आंतरिक भाव से नहीं सिर्फ मुंह से उनका सम्मान करते थे, पर जब उन्होंने देखा कि शुद्ध सत्व उनके ऊपर अपना आधिपत्य जमा रहा है तो गुस्से से पागल हो गए। रजोगुण के साथ साथ तमोगुण की भी चुप्पी भी भंग हुई। मिश्र सत्वगुण जो पहले शुद्ध सत्व का सम्मान करता था वो भी रजो एवं तमोगुण के साथ मिलकर एक हो गया। तीनों ने विचार किया कि जब शुद्ध सत्वगुण हम तीनों पर अपना आधिपत्य जमा रहा है तो क्यों ना हम आपसी झगड़े को भुलाकर एक हो जाएं? हम तो तीनों प्रकृति के गुण हैं, तीनों में थोड़ा सा ही तो मतभेद है, तो उस मतभेद को दूर कर हम क्यों शुद्ध सत्वगुण के आगे घुटने टेके? तो पहले रजोगुण को भी बहुमत मिला था, पर अब जब तीनों भाई एक हो गए तो जनमत ने उनकी ही अधिक योग्यता एवं दावे को स्वीकारा। जनमत ने कहा कि इन तीनों भाइयों ने एक होकर आकाश पाताल का मंथन कर बड़ी बड़ी अट्टालिका एवं संस्थाओं का निर्माण किया है, कनक कामिनी से पूर्ण संस्थाओं की संपत्ति को लूट पार कर बड़े बड़े स्तूप का निर्माण करते हैं। शुद्ध सत्वों ने क्या किया है, वो कर भी क्या सकता है, तो चुपचाप बैठा रहता है। वो कुछ करे इसमें सत्व रजो और तमोगुण को कोई आपत्ति नहीं है, परंतु यदि वो नियामक बनकर उनके ऊपर आधिपत्य जमाए तभी उनको आपत्ति होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में वे संपत्ति के बंटवारे को लेकर झगड़ा चलता था। तब चौथे ने अर्थात शुद्ध सत्व ने उनका मंगल करने हेतु निज स्वाभाविक अधिनायकत्व प्रकाश कर श्रीमद् भागवतम की वाणी को सार्थक करते हुए ना तो लड़ सकते ना ही स्वतंत्र रखकर मन मना चल सकते। श्रीमद् श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद सत्व रजो एवं तमोगुण में पारस्परिक विवाद एवं उन सभी गुणों के पारस्परिक संघर्ष का विनाश कर शुद्ध सत्व का एक छत्र अधिनायकत्व स्थापन का दृष्टांत का देकर उपदेश दे। जनमत शुद्ध सत्व मिश्र तत्व रज एवं तम इन चारों को एक ही माता पिता के संतान मानने पर भी या शुद्ध सत्व मिश्र तत्व को एक एक कर तीनों भाइयों के अस्तित्व को स्वीकार कर पिता की संपत्ति अर्थात भगवान के प्रेम धन में तीनों का समान अधिकार का दावा करने पर भी एकमात्र शुद्ध सत्व को ही प्रेम धन न ग्रहण करने का योग्यतम नित्य सिद्ध अधिकारी बताया गया, बाकी सभी गुण आपस में लड़कर नष्ट हो जाएंगे। कोई भी किसी का नित्य मंगल नहीं कर सकता है, क्योंकि सभी स्वार्थी हैं, पर केवल शुद्ध सत्व में ही एकमात्र विष्णु के सेवाकार स्वार्थ को छोड़कर दूसरा कोई स्वार्थ नहीं, इसलिए वही एकमात्र अधिनायक बनकर सबका मंगल विधान कर सकता है। एकमात्र उनके अनुगत्य में रहने पर ही बाकी सब गुणों का प्राकट भाव नष्ट हो। इस प्रकार ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर के सारे उपदेश देने उपाख्यान उपदेश, इस तरह उपाख्या उपदेश का ये पहला वॉल्यूम जो है पहला पार्ट पहला हिस्सा खत्म होता है। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, इसका जो दूसरा भाग है दूसरे हिस्से को हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिशु उपाख्यान उपदेश ग्रंथ की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद की।